का दोस्तों स्वागत करता हूं आपका अपने वीकली राशिफल में, जिसमें हम बात करेंगे 18 मार्च से लेके 24 मार्च 2018 तक सभी राशियों का हाल कैसा रहेगा। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप कई बार देख चुके हैं तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और इसी तरह से अपना आशीर्वाद इस चैनल को देते रहिएगा। बात शुरुआत हम करेंगे मेष राशि से कि मेष राशि वालों का ये जो सप्ताह है 18 से लेकर 24 तारीख तक का, वो कैसा रहेगा। मिक्स बैग की फीलिंग आपको ये सप्ताह जो है वो देखा जाएगा। आपको खर्चों से काफ़ी बचना होगा, क्योंकि कुछ खर्चे आपके आपकी परेशानी बढ़ाते हुए इस सप्ताह में दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स से भी दो चार होना पड़ सकता है, इसलिए बाहर का खाना ना खाएं और जितना हो सके घर के सात्विक भोजन यानी कि नॉर्मल नॉर्मल भोजन को आप लेने का चेष्टा आप करें तो अच्छा रहेगा। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए भी ये जो सप्ताह रहेगा कुछ नई समस्याएं लेकर आ सकता है, और जो तैयारी कर रहे हैं परीक्षार्थी उनको बहुत ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ फोकस की कमी आपको दिखाई दे रही है। वहीं नौकरी जो लोग करते हैं उनको अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस से इस सप्ताह में जो है वो बचना पड़ेगा, नहीं तो वह प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अब बात कर लेता हूँ वृषभ राशि की कि वृषभ राशि वालों को इस सप्ताह में क्या करना है और क्या नहीं करना। देखिए गोचर जो चल रहे हैं उस गोचर के चलते ये समय जो रहेगा आपके लिए अच्छा रहेगा, और इसलिए आपका कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई इस सप्ताह में दिखाई देंगी। वहीं आपको काफ़ी प्रतिष्ठा और यश भी मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। नौकरी पेशा के लिए प्रमोशंस के योग बनते दिखाई देंगे, और ट्रांसफर होने के योग भी इस सप्ताह में आपको देखने को मिलेंगे आपकी मनचाही जगह। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए भी लाभ में वृद्धि होती हुई ये सप्ताह दिखाएगा, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका मन जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर ये जो सप्ताह है ये सप्ताह आपके लिए विन विन सिचुएशन लेकर ही आ रहा है, तो ऐसी कोई बहुत बड़ी परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मिथुन की बात कर लूँ तो ये जो सप्ताह रहेगा ये पिछले सप्ताह के मुकाबले काफ़ी अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। कारोबार अगर आप करते हैं तो काफ़ी अनुकूलता लेकर ये सप्ताह आएगा। वहीं दूसरी ओर नौकरी जो तलाश कर रहे थे, जो लोग बेरोजगार थे, उनको सफलता मिल सकती है इस सप्ताह, अगर वो अच्छी अपॉर्चुनिटी को समझें और उस पर इंटरव्यू देने जाएं। साथ ही साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता की, वह भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अच्छी नौकरी मिलने के योग उन्हें दिखाई दे रहे हैं। नौकरी पेशा वर्ग के लिए भी सहयोग मिलेगा उन्हें, जो मनमुटाव उनका चल रहा था अपने ऑफिसर्स से, तो वो भी उनका यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर आपके लिए भी बहुत अच्छा सप्ताह ये रहेगा। वैसे भी नवरात्रि का सप्ताह रहेगा तो बहुत अच्छा ही रहेगा। घर की बात कर लेते हैं तो ये जो सप्ताह रहेगा ये आपके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। पहले जो सप्ताह अभी इस महीने के गए हैं उनसे ये सप्ताह आपका बेहतर, अच्छा कहूँगा कि बहुत अच्छा रहेगा, और व्यवसायियों के लिए भी ये व्यवसाय में काफ़ी तेज़ी उनको देगा, जिससे उनका जो मन है, उनका जो सोचने का तरीका है वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। वहीं नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए भी ऑफिस में स्थितियाँ काफ़ी बेहतर होंगी और मन लगेगा उनका, और जो उनके साथ जो नौकरी करते हैं लोग या जो उनके साथ उनके कुलीग हैं उनके साथ उनका जो व्यवहार है वो अच्छा हो जाएगा। वो भी उनके साथ काफ़ी अच्छे से व्यवहार करेंगे, जिससे जो मन है और आपका बढ़िया रहेगा, आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई देगा। वहीं साथ ही साथ आपके जो रोमांस की लाइफ है वो भी बढ़िया होती हुई दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर सप्ताह काफ़ी अच्छा है। सिंह राशि की बात करूं उससे पहले आपको याद दिला देता हूं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए सिंह की बात कर लेते हैं। थोड़ी सी सावधानी लेकर आएगा ये सप्ताह, आपको सावधानी से चलना होगा। अगर आप स्वास्थ्य में जरा सा भी कोई लापरवाही करते हैं तो आपको उसके लेने के देने पड़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो ध्यान से चलाइए, कंट्रोल करके चलाइए, स्पीड में मत चलाइएगा। नौकरी पेशा वर्ग के लिए भी ट्रांसफर के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कार्यालय में भी आपको हो सकता है, अगर आप काम आपका पूरा नहीं है, पेंडिंग है, तो आपको जो है थोड़ा सा वहाँ पर बातें सुनने को मिले। तो
तो कुल मिलाकर आपको यही राय दूंगा कि ये सप्ताह में थोड़ा सा संभल कर चलेंगे तो बेटर रहेगा। कन्या की बात कर लेता हूँ, मिक्स बैग की फीलिंग लेकर आएगा ये सप्ताह आपके लिए। स्वास्थ्य जो है थोड़ा सा नरम गरम की स्थिति दिखा सकता है। काम करने में मन ना लगना, थोड़ा आलस्य रहना, ये इस सप्ताह की सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपके लिए होगा। कार्यों को टालने की प्रवृत्ति थोड़ी सी आपके अंदर आएगी, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कल की जो स्थिति आपके साथ रहेगी वो आपको आगे चलकर प्रॉब्लम दे सकती है। हालांकि भाग्य फिर भी साथ देगा और कहीं ना कहीं आपके काम बनेंगे, लेकिन आपको वाद विवाद से बचना चाहिए और धैर्य से जो है काम इस सप्ताह में लेना चाहिए। अगर आप धैर्य से काम लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके काम काफी अच्छे से बनेंगे। तुला की बात कर लेता हूँ, ये सप्ताह आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा। जो आपने सोच रखा है, आपने जो प्लानिंग कर रखी है, वो आपकी होती हुई दिखाई देगी। आत्मविश्वास आपका चरम सीमा पर होगा, लेकिन अति आत्मविश्वास से आपको बचना होगा। साथ ही उत्साह एवं पराक्रम आपका बढ़ेगा और अपने बुद्धि के कौशल से आप किसी भी मुश्किल कार्य को आराम से कर पाएंगे, क्या कहूँ, महत्वपूर्ण कार्यों को बहुत सरलतापूर्वक कर पाएंगे। वहीं आने वाले कुछ दिनों के लिए आप प्लानिंग करेंगे आर्थिक रूप से, जो प्लानिंग आपकी सार्थक रहेगी। ये थोड़ा सा है कि लास्ट के जो 2 दिन रहेंगे, शुक्र और शनिचर, उसमें थोड़ा सा मन आपका उचाट रह सकता है, कुछ दिक्कतें का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन सप्ताह के जो बाकी दिन हैं वो काफ़ी अनुकूलता लेकर आए हैं, तो ऐसी कोई बड़ी दिक्कत जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। वृश्चिक राशि की बात कर लेता हूँ, शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। जहाँ एको संतान से संबंधित कोई चिंता अगर आपको रह सकती है, लेकिन वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। दूसरी ओर विद्यार्थियों के लिए अध्ययन में फोकस बनाने की समस्या आपको आएगी। अगर आप एक स्टूडेंट है तो मन आपका कहीं और जाएगा, टीवी की तरफ आपका मन ज़्यादा इस समय रहेगा, तो ध्यान रखिएगा कि टीवी पर उतना ही ध्यान दें जितना आपकी स्टडी जो है वो उससे इफेक्टेड ना हो। अध्ययन मैं कहूँगा पूरे सप्ताह थोड़ी दिक्कत आएगी और परीक्षा में भी इस वजह से आपके रिजल्ट्स जो रहेंगे वो थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको हो सकते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से सप्ताह अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपका मन जो है वो काफ़ी बढ़िया रहेगा। धनु की बात कर लेते हैं, ये सप्ताह आपके लिए भी मिक्स पैक की फीलिंग देगा। विगत कुछ सप्ताहों में जो अनुकूलता चल रही थी उसमें थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिलेगी। घरेलू मोर्चे पर हो सकता है कुछ समस्याएं आपको परेशान करें, जीवन साथी के साथ कुछ मनमुटाव की स्थिति भी आपकी हो सकती है, लेकिन वो मेजर नहीं होंगी और समय रहते वो दूर हो जाएंगी। नौकरी एवं व्यवसाय दोनों की दृष्टियों के लिए समान अनुकूलता वो लेकर आएगा और आपको अपेक्षित सफलता भी प्राप्त होगी। तो थोड़ा सा मिक्स्ड रहेगा ये सप्ताह आपके लिए, तो आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। मकर की बात कर लेते हैं, ये सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। नया जोश, नया पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिससे भाग्य का आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। महत्वपूर्ण कार्यों में उपलब्धि मिलेगी, जिससे आपका मन काफी अच्छा रहेगा। रोमांस के लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा। नौकरी पर वर्क के लिए भी यह सप्ताह अनुकूलता लेकर आएगा। शुभ फल की प्राप्ति के योग बनेंगे, जिससे मन आपका बहुत ही अच्छा बढ़िया रहेगा। तो कुल मिलाकर आपका जो दिन है, आपके जो आने वाले कुछ दिन हैं, वो आपके लिए बढ़िया ही रहेंगे। दोस्तों, मैं आपसे फिर से गुजारिश कर रहा हूँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुंभ राशि की बात करता हूँ, अनुकूल रहेगा। ग्रहों की गोची स्थिति जो चल रही है आपको अनुकूलता देगी, आपके कैरियर में, आपके अन्य क्षेत्रों में, अन्य फील्ड में सहायक रहेगी और सफलता मिलने के योग यहाँ पर रहेंगे। किसी महत्वपूर्ण काम में आप के अवसर बनेंगे, जिससे आप काफी अच्छे से संपन्न कर पाएंगे। नौकरी एवं व्यापार दोनों की दृष्टि से समय जो है अच्छा है, अच्छे से काम कीजिए। अब कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, मन भी अच्छा है, तन भी अच्छा है, अच्छा दिन है, अच्छे दिन है आपके। अब हम लास्ट राशि पर आ गए हैं, जो कि है हमारी मीन राशि। अनुकूल रहेगा, कारोबारी मामलों में आपको जो आप सफलता चाह रहे थे वो आपको मिलती हुई दिखाई देगी, लेकिन
घरेलू समस्याएं आपको कुछ परेशान कर सकती हैं, वो कुछ अवरोध यानी रुकावट पैदा कर सकते हैं। जीवन साथी की भावनाओं को आदर आपको करना पड़ेगा। किसी का गुस्सा किसी ऊपर के ऊपर ना निकालें। अगर आपका कुछ आर्गुमेंट किसी से हुआ है, उसका गुस्सा अगर अपनी माता पिता पे या अपनी वाइफ पे निकालेंगे, तो ये आपके रिश्ते को थोड़ा सा कमज़ोर बनाएगा। इसलिए परिस्थितियों के अनुसार चलें, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिले। वाणी और व्यवहार पर संयम रखने की आवश्यकता आपको इस सप्ताह में रहेगी। कुल मिलाकर दिन जो रहेंगे ठीक रहेंगे, बस थोड़े उग्रता आपके में आ सकती है, तो ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये जो एनालिसिस हम लोग करते हैं, ये एनालिसिस होते हैं जनरलाइज्ड। अगर आपकी कुंडली पर क्या असर हो रहा है, क्या ग्रह की स्थिति आपके कुंडली में चल रही है, आपके हाथ में चल रही है, वो अगर आप हमसे कराना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर्स पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हम आपको उसका जवाब देंगे, लेकिन उसकी हम निश्चित एक पारिश्रमिक लेते हैं, यानी कि फीस लेते हैं, वो आपको देनी होगी। और 2 दिन का समय मिनिमम देना होगा, ज़्यादा भी लग सकते हैं। और उसके बाद हम आपको बताएंगे। डेमो हम किसी चीज़ का नहीं देते हैं। आपका मन पहले आप पक्का करें, उसके बाद हमसे आप कॉन्टेक्ट करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। डेली का राशिफल आपको रोज़ मिलता रहता है, मैं आपसे रोज़ जुड़ता हूँ। उसी तरह से अपना प्यार हमें देते रहिए। मिलते हैं अगले साप्ताहिक राशिफल में।